Subscribe to our channel and tap the bell notification icon to never miss a tech video from Geekyshubh. दोस्तों YouTube पर सब बता तो देते हैं कि क्या करना है, लेकिन सब अच्छे से ये नहीं बताते कि आपको क्या नहीं करना है। अगर आपको YouTube पे सक्सेसफुल होना है तो ये जानना भी ज़रूरी है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है वो भी जानना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 10 ऐसी मिस्टेक्स का जो यूट्यूबर्स करते हैं, वो करते ही करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें YouTube पर। दोस्तों बिकम अ यूट्यूबर सीरीज़ के पार्ट 10 के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 10 मिस्टेक्स डन बाय यूट्यूबर्स विच दे शुड अवॉइड राइट नाउ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं किसी चैनल को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं सबसे पहले और सबसे इनिशियल गलती की। जो सबसे पहला और इनिशियल गलती लोग करते हैं वो ये करते हैं कि उनके मन में ये होता है कि मैंने पहली वीडियो डाली और ये वीडियो हो जाएगी वायरल और रातों रात सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मिलियंस ऑफ व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर। ये नहीं होता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आप वीडियो चैनल पे डाल रहे हो, अगर आप चैनल बना रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो एक एम से आओ कि आपको मेहनत करनी है और आपको 100 वीडियोस प्रोड्यूस करनी है। ये मत सोचो कि रातों रात सक्सेसफुल हो जाओगे। ये पहली गलती लोग करते हैं और इससे वो परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है और वो क्या करते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं कि अरे वीडियो वायरल ही नहीं हो रही है, वीडियो में व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। भैया आप एक्सपेक्ट मत करो, अगर आपके पास 10 सब्सक्राइबर है तो अगर आपके पास 2 व्यूज आ रहे हैं तो बहुत है। आप 10 सब्सक्राइबर पा करके, 50 सब्सक्राइबर पा करके आप 5 लाख व्यूज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वर्क करिए, लेटेस्ट टॉपिक्स पे काम करिए, आपकी वीडियो वायरल जरूर होगी लेकिन मेहनत से। रातों रात सक्सेसफुल आप नहीं होंगे, ये प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है, ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। 100 में से एक ही ऐसा होता है जो रातों रात वायरल हो जाए, पहली वीडियो पड़े और वायरल हो जाए, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो एक ये पहली मिस्टेक एकदम मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो मेंटल लेवल है वो एकदम स्टेबल रहे। बात करते हैं दूसरे मिस्टेक की। जो हम दूसरा मिस्टेक करते हैं वो बहुत ही कॉमनली ये करते हैं कि हम अपने YouTube चैनल से कंटेंट डिलीट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वीडियो पे व्यूज़ नहीं आए तो हमने कहा यार चलो इसको डिलीट कर देते हैं, व्यूज़ ही नहीं है तो इसको रख के फ़ायदा क्या। ये मत करिए, ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। इससे क्या होता है कि आप अपने चैनल से चीज़ें हटा रहे हो। तो होता क्या है कि हो सकता है कि उस पर 1 साल बाद, 6 महीने बाद व्यूज़ आना चालू हो जाए, हु नोज़। मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी अपने चैनल पे उस पे आज भी व्यूज़ आते हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो व्यूज़ आएंगे, ये गलती मत करिएगा। चैनल से कोई भी वीडियो डिलीट मत करिए, जो पड़ गई उसको पड़े रहने दीजिए, डिलीट मत करिए कोई भी कंटेंट। उसके बाद तीसरी मिस्टेक लोग ये करते हैं, ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते। यार ऑडियो क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको डिफरेंस दिखा देता हूँ ऑडियो क्वालिटी की। ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं कैमरे की ऑडियो, ये जो आप ऑडियो सुन रहे हैं वो है माइक की ऑडियो। आप देख रहे हो फ़र्क कितना है कैमरे की ऑडियो और माइक की ऑडियो में, ध्यान दो। तो ऑडियो क्वालिटी को कभी नेगलेक्ट मत करो, ऑडियो पर ध्यान दो। मैंने ऑडियो से रिलेटेड वीडियो बनाई है कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से गैजेट्स यूज़ करने चाहिए, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, बिकम अ यूट्यूबर प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर के देख लीजिएगा कि ऑडियो के लिए आप कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप बेहतर ऑडियो दे सकें। ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये तीसरी मिस्टेक कभी मत करिएगा। अब आ जाती है बारी चौथे मिस्टेक की। जो चौथा मिस्टेक हम लोग कॉमनली करते हैं, जो हमने भी की है और लोग भी करते हैं, बहुत ही कॉमनली हो जाती है, ऑफ टॉपिक कंटेंट बनाना। अब ऑफ टॉपिक कंटेंट क्या होता है, मान लीजिए मैं टेक यूट्यूबर हूँ, मैंने टेक की वीडियोस बनाना चालू कर दिया, मैंने देखा कि सुशांत की डेथ हो गई, मैंने कहा यार ये लेटेस्ट टॉपिक है चलो वीडियो बना देते हैं इस पर। ऐसा मत करिए, आपका टेक चैनल है आप टेक के बारे में वीडियो बनाइए, जिसका न्यूज़ चैनल है वो न्यूज़ के बारे में वीडियो बनाएगा, फूड चैनल फूड के बारे में वीडियो बनाएगा, रोस्टिंग चैनल रोस्टिंग के बारे में वीडियो बनाएगा। अब रोस्टिंग चैनल बनाने लगे अनबॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग चैनल करने लगे रोस्टिंग, खत्म कहानी। ऑफ टॉपिक वीडियोस मत बनाइए, आपके पास जो पब्लिक है उसकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। अब आ जाते हैं अपनी फिफ्थ मिस्टेक पर। जो फिफ्थ मिस्टेक है वो मैं बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ और अब मैं नहीं करने वाला हूँ, वो ये है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब 2 दिन वीडियो बनाओ, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन गायब, 1 हफ्ते में 7 दिन लगातार वीडियो बनाओ, दूसरे हफ्ते में 2 दिन वीडियो बनाओ, कंसिस्टेंसी नहीं है ये। आपके व्यूअर्स तक आपकी वीडियोज़ नहीं पहुँचेंगी और मैं आपको दिखाऊँगा अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में कि अपनी एनालिटिक्स में कि उसका क्या नुकसान होता है। और वाकई में बहुत बड़ा नुकसान होता है जब आप इनकंसिस्टेंट हो जाते हो, तो आप अपने यूट्यूब चैनल को हर्ट करते हो और ये आपको हर्ट होता है फिर। तो ये मत करिएगा, कभी भी इनकंसिस्टेंट मत होइएगा। अपनी डेज बांध दीजिए कि हमको सैटरडे संडे वीडियो बनानी है, या पूरे हफ्ते में 7 दिन बनानी है, या डेली 2 बनानी है, डेली 1 बनानी है, हर दूसरे दिन बनानी है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी मत रखिए, कंसिस्टेंट रहिए अपने कंटेंट के साथ। हमेशा डिसाइडेड रहिए कि इस दिन मुझे वीडियो बनानी है और छूटना नहीं चाहिए, पहले से तैयार रहिए। अगर आपको कहीं जाना है बाहर तो आप पहले से वीडियो बना के रख लो ना उस दिन के लिए कि उस दिन मुझे बाहर जाना, मैं पहले से वीडियो बना के रखूँगा और उस दिन आप पब्लिश कर दो। शेड्यूल का ऑप्शन होता है यूट्यूब में, लेकिन
कंसिस्टेंट रहिए, इनकंसिस्टेंट मत रहिए, इससे बहुत नुकसान होता है और मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा कि उससे क्या क्या नुकसान होता है, ज़रूर बताऊंगा। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, थोड़ा वर्क कर रहा हूँ मैं उसके ऊपर। अब आ जाते हैं अपने सिक्स्थ मिस्टेक के ऊपर, और ये हो जाता है, गलती से हो जाता है, किसी मजबूरी में हो जाता है, इसमें आपकी गलती नहीं है। एक्सटेंडेड ब्रेक ले लेना, कभी कभी आप उब जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो, डिप्रेस हो जाते हो, यार नहीं हो रहा है यार, आप ब्रेक ले लेते हो, चलो 2 महीने बाद करेंगे या 3 महीने बाद करेंगे, या आप कहीं बाहर चले गए घूमने, अब वहीं रह गए 1 महीना, आपने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया, 4-5 महीने तक आपने वीडियोज़ ही नहीं बनाए, इससे आपके चैनल पर बहुत बुरा असर पड़ता है, आपकी चैनल गायब हो जाएगा, जो लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे उनको आपके चैनल नहीं दिखाई देगा, व्यूज़ कम हो जाएंगे। और उसका लाइव एग्जाम्पल मेरा चैनल है, आप मेरा चैनल देखो, इनकंसिस्टेंसी और लॉन्ग ब्रेक की वजह से व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, नहीं तो मेरे व्यूज़ बहुत पहले आते थे, लेकिन कुछ वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आने लगे हैं, और धीरे धीरे जब मैं कंसिस्टेंट हो जाऊंगा तो वो सुधर जाएगा। तो ये गलती कभी मत करिए, ये मैंने की हुई है और इसका नुकसान बहुत बुरा होता है। 7th mistake, अगर आप सोच रहे हो कि यूट्यूब पर मुझे चैनल बनाना है, वीडियोज़ बनाना है, जिस चीज़ के लिए मैं ये सीरीज़ लाया हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशली ये सीरीज़ लाया हूँ जिसमें मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ, ये इसलिए है कि आप चैनल बनाओ, लेट मत करो, अरे यार चलो 1 महीने बाद बना लेंगे, या अगले महीने से चालू करेंगे, या 6 महीने बाद चालू करेंगे, या 2021 में चालू करेंगे। भैया कंपटीशन डेली बढ़ रहा है, डेली कंपटीशन बढ़ रहा है, क्यों देर कर रहे हो? ये गलती मत करो। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर चैनल बनना चाहते हो, तो आज के आज और अभी के अभी चैनल बनाओ, चालू करो, प्लानिंग चालू करो और उस पर लग जाओ। ये गलती कभी मत करिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा आपके लिए दिक्कतें सामने आएंगी। 8th mistake, जो सारे यूट्यूबर्स करते हैं स्टार्टिंग के फेज़ में, जब उनके 100 सब्सक्राइबर से कम होते हैं, वो जा करके सब फॉर सब, ये आपने सुना होगा कि मैं आपको सब्सक्राइब करूंगा, आप मुझे सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन भी, आप मेरे भी कमेंट सेक्शन में आप देख लो कि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं कि सब्सक्राइब टू मी, ये मत करिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलता। आप अपने कंटेंट पर वर्क करिए, और इससे आपका जो चैनल है या आपका जो कमेंट सेक्शन है, जब आप कमेंट करने जाते हो, ये सब स्पैम हो जाता है, इससे आपका मेरिट भी डाउन हो जाता है। तो ये मत करिए, सब फॉर सब वाला काम मत करिए, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब, लाइक फॉर लाइक, ये मत करिए यूट्यूब पर, ये एकदम अलाउड नहीं है, ये एक तरीके से स्पैम माना जाता है। तो स्पैमिंग वाला काम अपने चैनल से मत करिए, जिस चैनल पे आप काम कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान होगा। बात कर लेते हैं 9th mistake की। जो 9th mistake हम लोग करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही कर देते हैं, ये अक्सर हो जाती है, थंबनेल्स बनाना। थंबनेल्स में हम कुछ ज़्यादा लिख देते हैं, या प्रॉपर थंबनेल नहीं बनाते, या हम जल्दबाजी में थंबनेल बना देते हैं, या हम कुछ भी थंबनेल में डाल देते हैं, ये मत करिए। थंबनेल को बहुत अच्छे से प्रॉपर सोच समझ के डालिए। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ आप देखिए, सब वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल्स को सोच समझ के बनाइए। मैंने क्लिकबेट से रिलेटेड लास्ट वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देख लीजिए कि क्लिकबेट करना है तो कैसे करना है। फर्जी काम मत करिए, ठीक है। और जो लास्ट मिस्टेक है, जो 10th mistake यूट्यूबर्स करते हैं, वो होता है कि चैनल पे कुछ भी डाल देना। मतलब अभी मैंने एक बताया था ना, मिक्स्ड कंटेंट वाला, वैसा ही कुछ। मतलब आप आज ऑफ टॉपिक कंटेंट है, मान लीजिए आप टेक पे बना रहे हो, फिर कल आपने रोस्टिंग बना दी, फिर कल आपने कॉमेडी बना दिया, फिर कल आपने व्लॉग डाल दिया, एक ही चैनल पे इतना सारा काम मत करो, क्योंकि फिर वो एकदम मिक्स्ड हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। व्लॉगिंग वाले जो जनता होगी वो आपका टेक कंटेंट नहीं देखेगी, जो फूड वाली जनता होगी वो आपका टेक कंटेंट नहीं देखेगी। तो एक ही चैनल पे हॉचपॉच मत करिए, एक ही चैनल पे सब मत करिए, ठीक है। आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक नीश, एक टॉपिक को फॉलो करिए। अगर मान लीजिए आप टेक हैं, टेक्नोलॉजी, न्यूज़, फोन्स वगैरह सब कवर करिए। अगर आप फूड हैं, फूड कवर करिए। व्लॉगिंग कर रहे हैं, व्लॉगिंग कवर करिए। अगर आप ट्रिप्स एंड ट्रिक्स कवर कर रहे हैं, अगर आप फैक्ट्स कवर कर रहे हैं, तो फैक्ट्स कवर करिए। लेकिन कोशिश करिए कि एक नीश को फॉलो करिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात किया क्या, 10 mistakes के बारे में जो हम यूट्यूबर्स करते ही रहते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाह रहे हो, या यूट्यूब पे वर्क कर रहे हो, ऑलरेडी मेहनत कर रहे हो, ये 10 mistakes अवॉइड करो, एकदम अवॉइड करो। इन 10 mistakes से, ये 10 काम करने से आपको नुकसान है, और लेजिटिमेटली नुकसान है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी थी, और मैंने सोचा था कि पार्ट 10 में टॉप 10 mistakes के बारे में बात करेंगे, और आज हमने पार्ट 10 में टॉप 10 mistakes के बारे में बात की। आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैं और ज़्यादा डीप ले जाने वाला हूँ आपको यूट्यूब में, एनालिटिक्स में, डिटेल में जाने वाले हैं हम लोग। मैं आपको एनालिटिक्स दिखाऊंगा अपना, हर चीज़ आपको एक एक
स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके हर चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या यूट्यूब क्रिएटर हैं तो, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उसके बाद ये जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बिकम ए यूट्यूबर की, इस प्लेलिस्ट में मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और इस प्लेलिस्ट की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो जाके सारी वीडियोज़ देखिए, हर एक वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। और नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं जवाब दूंगा, या अगर मुझे लगेगा तो मैं अलग से उसके लिए वीडियो लेके आऊँगा आपको समझाने के लिए बेहतर तरीके से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीज़न से पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा क्रिएटर्स को ये जानकारी पहुँचे कि ये 10 मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। ये शेयर ज़रूर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।